पनवेल महानगर पालिका क्षेत्र में सिडको और पनवेल महानगर पालिका दोनों की जो दोहरी टैक्स वसूली है उसको लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उस पर हाईकोर्ट ने कल फैसला सुनाया है और दोनों याचिकाओं को रद्द कर दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी से निष्कासित जो नगर सेविका थी लीना गरड, उन्होंने याचिका दाखिल की थी, बीजेपी इसे बड़ी जीत मान रही है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं पनवेल क्षेत्र के विधायक प्रशांत ठाकुर साहब मौजूद हैं। सर, इन याचिकाओं को बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द किया है, आप इस परिप्रेक्ष्य को किस तरह से देखते हैं? पनवेल कॉरपोरेशन 2016 में जब बना, तो पनवेल कॉरपोरेशन नए सिरे से बनने के बाद में पहले तो ये सिडको का एरिया था। सिडको के माध्यम से जो फैसिलिटीज़ यहाँ के रेजिडेंट्स को मिलती है उनमें कई बार हमने खामियाँ पाई हैं और इन खामियों को ऐसे ही रख के अगर साल आगे बढ़ते रहे तो एक समय आता जब लोगों की सुनवाई न होने की वजह से काफ़ी सारी तकलीफ़ें होती रहती। इसके लिए हमने पनवेल कॉरपोरेशन के निर्माण के लिए प्रयास के लिए किए। सौभाग्यवश हमारे भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने हमारी बात को माना और पनवेल कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। अब पनवेल कॉरपोरेशन बनने के बाद में जो प्रोसीजरल पार्ट है वो होते होते ये हो गया कि टैक्स के इम्प्लीकेशन में समय लग गया। अब अगर समय लगा है तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ आने वाली थी कि लोगों को जो टैक्स भरने को आएगा वो एक साथ आया और उसके चलते लोगों में कहीं ना कहीं नाराज़ी है। जो सिडको सर्विस चार्जेस लेती है और पनवेल कॉरपोरेशन भी टैक्स लेती है उसको लेकर डबल टैक्सेशन लोगों में नाराज़गी है। भारतीय जनता पार्टी ने इस नाराज़गी को कॉरपोरेशन के कमिश्नर या ऑफिसर्स के सामने लाया। जो पहले टैक्स का स्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी हद तक टैक्स का रेट्स को कम किया, पर फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि जिसमें लोगों को इंडिविजुअली शिकायत इसमें हो सकती है। ऐसे में ऐसे इंडिविजुअल लोगों की सुनवाई के लिए कॉरपोरेशन ने विंडो ओपन रखना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भी डिमांड है। पर हमने देखा कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोगों को आगे बढ़ने की चाह में लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। ऐसे ही यहाँ पे फोरम का जो निर्माण हुआ है वो निर्माण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ही कॉरपोरेटर लीना गरड़ जी थी, उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की और उनके पति अर्जुन गरड़ उन्होंने भी उसमें पॉलिटिक्स में यहाँ पर घुसते हुए लोगों को गुमराह करने में उनकी पूरी मदद की, बल्कि बहुत बार उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और इसके चलते एक गवर्नमेंट ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है, इसके चलते लोगों ने भी उसमें साथ दिया। एक कॉरपोरेशन को चलने के लिए फ़ंड की ज़रूरत होती है, कॉरपोरेशन कुछ फैसिलिटीज़ दे, जैसे कि कॉरपोरेशन ने अपनी ओर से कोशिश की, हमने अपनी ओर से कोशिश की कि जल्द से जल्द पब्लिक एमिनिटीज़ के जो प्लॉट्स है उसको कब्ज़े में ले और उसका डेवलपमेंट करे। समय लगा पर आज पनवेल कॉरपोरेशन ने इसकी शुरुआत की है। बावजूद इसके कि फोरम जैसे ये जो संस्था ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने टैक्स भरने का भी विरोध किया, टैक्स एडिशनल टैक्स भरने का विरोध करे समझ सकते हैं, टैक्स भरने के लिए इंस्टॉलमेंट मांगे समझ सकते हैं, पर लोगों के लिए फैसिलिटी थी, लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला था, वो डिस्काउंट हासिल ना करे, टैक्स ही ना भरे, आपको टैक्स नहीं भरने को लगेगा, ऐसा एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने कहा। कोर्ट में गए, कोर्ट में समय लगा, अब कोर्ट ने जो रिजल्ट दिया है, इसके बाद मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि खारघर के लोगों को जिन्होंने गुमराह किया, खारघर के लोगों को मिलने वाली टैक्स में से राहत डिस्काउंट वो मिलने से जिन्होंने मना किया, लोगों को अलग दिशा में लेके गए, भड़काने की कोशिश की पनवेल कॉरपोरेशन के खिलाफ, इन लोगों को क्या आप जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए कि अब कोर्ट ने जवाब दे दिया है, अब इनको टैक्स अगर भरना पड़ेगा तो इनको डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को उसमें पेनल्टी लगेगी। तो जैसे इन लोगों को बताया गया था कि आपको गरड़ जी का टैक्स भरना चाहिए, पैसा पैसा जमा कर गरड़ जी का टैक्स भरा ऐसा बताया गया जा रहा है, तो क्या आप फोरम वापस से पैसा इकट्ठा करेगा? जिन लोगों को नुकसान हुआ उन लोगों का नुकसान भर के देने के लिए क्या फोरम अब पैसा पैसा जमा करेगा? ये हम देखना चाहते हैं। अभी एक सवाल जो सबसे बड़ा ये है कि सर, हाईकोर्ट ने जो दो याचिकाएं खारिज की है उन्हें एक सुझाव भी दिया है कि आप जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, जो तीसरी याचिका थी आज भी विचाराधीन है जो 8538 है, तो आपको लगता है कहने के कोर्ट ने एक रास्ता छोड़ के रखा है कि इस मामले में समाधान कारक सुनवाई हो और उसका फैसला भी हो? ऐसा है कि
आप अगर कोर्ट में किसी चीज़ के लिए राहत मांगने को जाते हो तो कोर्ट उसमें जस्टिस देने के लिए बैठा है, तो कोर्ट ने अपनी ओर से ये काम किया है, कोर्ट ने कहा है कि आप इंडिविजुअली करो या इसको पीएल में कन्वर्ट करो, तो ठीक है वो करें उस तरीके से। पर फिर इन्होंने बड़े बड़े लॉयर वहाँ पर अपॉइंट किए थे, तो इन्होंने उनके साथ कंसल्ट किया होगा, मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है सीनियर लॉयर्स को अपॉइंट किया था, उन्होंने इनको पहले ही एडवाइस दी होगी कि ये इस तरीके से नहीं जा सकते। पर चूंकि इनको लोगों के सामने एक बहुत बड़ा आदर्शवादी पिक्चर खड़ा करना था, इसके लिए उन्होंने फोरम के नाम पर या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर एप्लीकेशन करने गए। क्यों नहीं उसी वक्त इंडिविजुअली गए, क्यों नहीं साथ साथ ही इंडिविजुअल एप्लीकेशन किया? तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव था और इसको ही आगे परस्यू करने का इन्होंने सोचा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन का तो नुकसान हो ही रहा है, लोगों का भी व्यक्तिगत रूप से नुकसान हुआ है, इस व्यक्तिगत रूप से हुए नुकसान को भी किसी ना किसी को जिम्मेवार ठहराना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, चूंकि पनवेल मनपा क्षेत्र में दो प्राधिकरण काम करते हैं, एक सिडको है दूसरी महानगर पालिका है, आप स्वयं भी कह रहे हैं कि कुछ मामलों को लेकर जाहिर सी बात है जो पनवेल क्षेत्र के नागरिक हैं वो नाराज हैं, क्योंकि सिडको कई इलाकों में फैसिलिटी देती है और वह टैक्स वसूलती है, और महानगर पालिका जहाँ फैसिलिटी नहीं देती वहाँ भी टैक्स महानगर पालिका वसूलती है। क्या सुधार आप चाहते हैं कि आने वाले समय में जो पनवेल क्षेत्र के नागरिक हैं उनको दोहरे टैक्स से मुक्ति मिले, यहाँ पर फंड जमा हो ताकि इसका विकास हो सके? पनवेल कॉरपोरेशन ने स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि सर्विस चार्जेस सिडको नाले या सर्विसेज हमको हैंड ओवर कर दे, कॉरपोरेशन के माध्यम से हम देंगे और सिर्फ पनवेल कॉरपोरेशन टैक्स वसूल करने वाली एंटिटी रहेगी। अब इसका परसुएशन हम भी करेंगे और इसके माध्यम से जल्द इसके ऊपर रिजल्ट आए इसके लिए प्रयास करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसे कि आपने सुना कि स्वयं प्रशांत ठाकुर जी जिनके प्रयासों से पनवेल महानगर पालिका अस्तित्व में आई और अब विकास के रास्ते पर चल रही है, लेकिन ये जो दोहरा कर जो वसूली है उसको लेकर जो विवाद पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने उसमें एक विराम लगाने की कोशिश की है, क्योंकि टैक्स विकास के लिए जरूरी होता है, अगर कुछ खामियां हैं तो उसे सुधारते हुए वो इसके लिए प्रयास करेंगे। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।